कल झारखंड के इतिहास में छात्रों के लिए सबसे बड़ा काला दिन था। कल दो छात्रों की मौत हो जाती है। कल एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ के दौरान दो छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? चलिए इस बात को समझते हैं। लगभग एक महीने का समय मिलता है छात्रों को। क्या एक महीने में 10 किलोमीटर दौड़ बनाना संभव है? आप खुद से पूछ कर देखिए। एक महीने में 10 किलोमीटर, सीधा जवाब आएगा असंभव है। चलिए इस चीज़ को भी अगर हम दरकिनार करके टेक्निकल चीज़ों को भी देखें तो लगभग 8 वर्ष से सीजीएल की परीक्षा हो रही है, कैंसिल हो रही है, और कैलेंडर में भी, नोटिफिकेशन में भी पहले सीजीएल की परीक्षा होनी थी। छात्र सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक से सत्ता का लोभ, हेमंत सरकार को छात्रों को एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ में सम्मिलित होने का एक नोटिफिकेशन भेजती है और छात्र अपने जान प्राण को देकर इस दौड़ में लग गए हैं। तो अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सरकार से यह अविलंब निवेदन करती है कि दौड़ को अविलंब आप 5 किलोमीटर कीजिए, क्योंकि इतना कम समय में 10 किलोमीटर का दौड़ बनाना असंभव है। दौड़ को 5 किलोमीटर कीजिए और अन्यथा आप आने वाले 10 दिन में छात्रों के लाशों के ऊपर, अपनी सत्ता को तो खो ही रहे, राज्य का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। धन्यवाद।